दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि आप जो कैसे नाबी ऐप से पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। इस ऐप की मैंने पूरी रिसर्च की है, ये बिल्कुल सेफ और सिक्योर ऐप है। आप जो इससे गारंटेड 100% पर्सनल लोन ले सकते हो जो कि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करा दिया जाता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा अप्रूव हो जाने के बाद, क्योंकि मेरा लोन जो इससे अप्रूव हुआ है तभी मैं आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। और दोस्तों आपने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर ऐड और वीडियो भी देखी होंगी जिसमें कि बताया तो जाता है लेकिन उनका लोन अप्रूव नहीं होता, क्योंकि मेरा लोन अप्रूव हुआ है जब ही मैं आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। आप जो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिए, हो सके आपका भी इससे लोन अप्रूव हो जाए, आप जो रिक्वायरमेंट होने वाली है आपकी वो सॉल्व हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको प्ले स्टोर से नाबी लोन्स एंड हेल्थ इंश्योरेंस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इसके लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन एंड साइन अप का, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर एक मोबाइल नंबर आपको कोई भी इसमें एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे सेंड की जाएगी, उसको वेरीफाई पे आपको क्लिक, फिर आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ अप्लाई पे, फिर आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल डिटेल्स को फिल करना होगा, जिसमें कि सबसे पहले आपको अपना फुल नेम फिल करना है जो भी पैन कार्ड पे डला हुआ है। उसके बाद पैन कार्ड पे जो भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वो डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है, और उसके बाद पैन कार्ड नंबर आपको इसमें फिल कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे अपनी वर्क की डिटेल देनी होगी, जिसमें कि आप किस प्रकार का काम करते हो, सैलरी मिलती है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर होम मेकर हो, घर का काम करते हो या फिर कोई भी काम नहीं करते हो, या फिर स्टूडेंट हो, यदि रिटायर हो तो भी आप इससे लोन जो है ले सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। फिर आप यहाँ पे आओगे, आपको अपनी मंथली इनकम को फिल करना है, जिसमें कि आपको मैं सजेशन करूँगा आपको 40,000 अपनी मंथली इनकम इसमें फिल करनी है। फिर आपको यहाँ पे अपना प्रोफेशन सेलेक्ट कर लेना, आप किस प्रकार का जो काम है, जैसे कि डॉक्टर हो, सीए हो, टीचर हो, आर्किटेक्ट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो या फिर लॉयर हो या फिर अदर हो, जिसमें से इनमें से कोई भी नहीं है तो अदर पे सेलेक्ट करना है और वो आपको अपना प्रोफेशन इसमें फिल कर देना। उसके बाद नेक्स्ट, फिर आपको यहाँ पे SMS की कॉन्टैक्ट की लोकेशन की परमिशन देनी होगी। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ये परमिशन आपको देनी होगी जब भी आपका IP एड्रेस इस ऐप के पास जाएगा। तो देख सकते हो योर डाटा इज 100% सिक्योर है। तो सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना और अलाउ 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 करते चले आना है। फिर आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा जिसमें कि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में है, आपको 1 से 2 मिनट का यहाँ पे वेट करना है और आपके सामने जो है आपका लोन अप्रूव होता है नहीं होता वो सामने आ जाए। जैसे कि हमारा लोन जो अप्रूव हो गया था, यहाँ पे देख सकते हो 11,000 का लोन अप्रूव हुआ था, लोन अप्रूव 11,000 कुछ ऐसे लिख के आएगा। तो EMI देख सकते हो 6 महीने की EMI बनवा सकते हैं 2031 की। अभी मैंने ये लोन लिया नहीं है, मैं चलो ऐप पे आपके जाके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे मुझे 11,000 का ही लोन लेना है और EMI मुझे 6 मंथ की बनवानी है। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो 6 मंथ की 2031 रुपये की कुछ EMI बनेगी। और यहाँ पे नीचे आके लोन्स की पूरी डिटेल दे सकते हो, लोन अमाउंट कितना है 11,000, प्रोसेसिंग फीस 1499, 1500 रुपये देनी होगी, GST 270 और जो अमाउंट मिलेगा हमको 9,231 रुपये मिलेगा। और मंथ की EMI टेन्योर दे सकते हो 6 मंथ की 36% की, एनुअल इंटरेस्ट लगेगी और टोटल जो इंटरेस्ट जाएगी वो 1437 जाएगी और टोटल जो लोन को जोड़ के हमारा जो अमाउंट जाएगा वो जाएगा 12,437 रुपये। और यहाँ पे एक फर्स्ट EMI एडिट का एक ऑप्शन है, तो एडिट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप EMI कब पे करना चाहते हो, 1 मई को, जैसे कि अभी लोन में अप्लाई कर रहा हूँ, 9 मई को, 16 मई को, जब भी अप्लाई करना चाहते हो वो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि मैं कन्फर्म कर दूंगा, उसके बाद कंटिन्यू करना है। तो हमको ये जो नेक्स्ट पेज पे अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स को फिल करना है, जिसमें कि आपकी कौन सी बैंक है उसको सर्च कर लेना है। जैसे मैं बैंक ऑफ इंडिया जो सर्च कर लेता हूँ, वो बैंक यहाँ पे आ जाए, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे आ चुकी है। और आपको IFSC कोड यहाँ से फिल करना, अपना बैंक अकाउंट नंबर जो है इसमें फिल कर देना और नेक्स्ट पे। फिर आपकी बैंक में जो है 1 रुपया सेंड किया जाएगा आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए। जो बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर लिया जाएगा तो पैसा जो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसे कि बैंक अकाउंट जो वेरीफाई हो चुका है तो आप यहाँ पे देख सकते हो लोन यहाँ पे जो है क्रेडिट करा दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पे सेटअप ऑटो पे करना होगा, जिससे कि क्या होगा आपकी जो EMI है बैंक से ऑटोमेटिक काट ली जाएगी, जो भी बैंक अकाउंट आप जो है इसमें लिंक करो, जो कि आप कर सकते हो, आपके पास नेट बैंकिंग है या फिर डेबिट कार्ड दोनों के थ्रू आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ नेक्स्ट पे जो है क्लिक करूँगा,
एक पेज पे हमको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आ चुके हैं, आप जिससे भी करना चाहते हो, डेबिट कार्ड, एटीएम, उससे आप जो कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ तक का आपका सारा प्रोसेस जो बता दिया है, अब यहाँ से आप जो इस पे क्लिक करोगे और सबमिट पे क्लिक करके आपको अपना एटीएम की डिटेल्स को फिल करना है। एक ओटीपी जो है सेंड कर जाएगी, जैसे कि बैंकिंग के पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जा रहा है हमको यहाँ से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट नंबर, आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना कार्ड नंबर फिल करना, मंथ एक्सपायरी, सीवीवी और अकाउंट होल्डर का नेम, और मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। ओटीपी सेंड की जाएगी, वो ओटीपी को फिल करना और पेमेंट आपका जो सक्सेसफुली हो जाए।